हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास फिफ्थ से एमसीक्यू पार्ट थ्री, जिसमें मैं तीन चैप्टर को इंक्लूड करूँगी। मोर ऑन एमएस पावर पॉइंट 2010, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, टेक्स्ट बॉक्स इज प्रेजेंट इन टैब टेक्स्ट बॉक्स, इनमें से किसमें प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए होम, बी इंसर्ट, सी डिजाइन, डी फॉर्मेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर टू, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट डायरेक्शन इज ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, बी वर्टिकल, सी रोटेटेड, डी स्टैक। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इनमें से कौन से ऑप्शन की तरह रहता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हॉरिजेंटल। टेक्स्ट डायरेक्शन डिफॉल्ट हॉरिजेंटल में रहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, बी कंट्रोल प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस ई एंड डी कंट्रोल प्लस ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर फोर, टू रोटेट द इमेज क्लिक एंड ड्रैग ऑन द सर्कल located ऑफ द टॉप ऑफ इमेज। किसी भी इमेज को क्लिक करते समय या रोटेट करते समय, ड्रैग करते समय उस इमेज के टॉप पर सर्कल में किस प्रकार की लाइनिंग रहती है? रेड, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन। किसी भी इमेज को रोटेट या क्लिक करते समय या ड्रैग करते समय टॉप पर इमेज पर ग्रीन कलर की सर्कल बनती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एमएस पावर पॉइंट 2010 हैज इन बिल्ट स्लाइड लेआउट। एमएस पावर 2010 में डिफॉल्ट जो है कितने स्लाइड लेआउट्स होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 एंड डी 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9। बिल्ड स्लाइड लेआउट 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, टेक्स्ट बॉक्स इज प्रेजेंट इन टैब टेक्स्ट बॉक्स, इनमें से किसमें प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए होम, बी इंसर्ट, सी डिजाइन, डी फॉर्मेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर एट, अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड को सॉल्व के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, बी एल्गोरिदम, सी प्रोग्राम एंड डी सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर थ्री, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, बी कंट्रोल प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस ई एंड डी कंट्रोल प्लस ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज यूज फॉर डिसीजन इन फ्लो चार्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डायमंड शेप। क्वेश्चन नंबर 11, इन फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑप्शन ए एरो, बी रेक्टेंगल, सी सर्कल, डी डायमंड। इन फ्लो चार्ट बनाते समय हमें
डायरेक्शन के इंडिकेट्स फ्लो के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के इंडिकेट्स किससे देते हैं? एरो, रेक्टेंगल, सर्कल या डायमंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एरो। क्वेश्चन नंबर 12। फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, बोथ या नन? फ्लो चार्ट को फ्लो करते समय उनका डायरेक्शन क्या रहता है? टॉप से बॉटम रहता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉप टू बॉटम। क्वेश्चन नंबर 13। हु ऑफर्स फ्री ईमेल सर्विस टू द यूजर? इनमें से कौन फ्री ईमेल सर्विस यूजर को ऑफर करता है? ऑप्शन ए एमएसएन, बी ब्राउजर, सी सीएनएन एंड डी याहू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, याहू। क्वेश्चन नंबर 14। विच सिंबल इज अस इन ईमेल? इनमें से कौन सा सिंबल हम ईमेल बनाने समय यूज करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 15। ईमेल इन मैसेज इज डिस्प्ले इन? ईमेल के मैसेज हमें कहाँ डिस्प्ले होते हैं? ऑप्शन ए इनबॉक्स, बी ड्राफ्ट, सी आउटबॉक्स एंड डी कंपोज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6। एमएस पावरपॉइंट 2010 हैज इनबिल्ट स्लाइड लेआउट। एमएस पावर 2010 में डिफॉल्ट जो है कितने स्लाइड लेआउट्स होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 एंड डी 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9। बिल्ड क्वेश्चन